ज्ञान की बातें करेगा और कभी कभी बहुत ज्ञानी है के मिश्रा भी आचार्य के मिश्रा बन जाते हैं नहीं ज्ञान की बातें करेगा और कभी कभी बहुत ज्ञानी है के मिश्रा भी आचार्य के मिश्रा बन जाते हैं नहीं शंख बजाने आचार्य के मिश्रा को सब लोग सुने आज आचार्य के मिश्रा आज डेजिग्नेट करूंगा एक एक को मैं आचार्य एक मिश्रा थोड़ी देर के लिए चूंकि मैं एक एक को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं इन्हें धर्म की भी बड़ी अच्छी जानकारी है भौतिक शास्त्र को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं मैं तो अपने आप को बहुत अज्ञानी कहता हूं एक काम कीजिए आचार्य रामकृष्ण और एक दोनों को स्क्रीन पर साथ में लेकर के आ जाए और एक मैं चाहूंगा कि धर्म के चंद सवाल आचार्य रामकृष्ण से आप मेरी तरफ से जरूर पूछें क्योंकि मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं सलाखों के पीछे होना चाहिए एके कोई ऐसा एके, धर्म गुरु नहीं एके, एके, अगर जहां नहीं रुक जाइए आप नहीं रुकिए शट अप रुकिए आपको बताता हूं मानव स्वार्थ हर जगह निहित होता है अभी मान लीजिए आज की डेट में ये मेरा अपना देखा हुआ है कोई 12 साल 20 साल 22 साल 24 साल में अस्थमा हो जाता है डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर 500 रुपए फीस लिख के उनको इलाज क्या देता है कि एक गुब्बारा आता है बोलता है सुबह शाम फुलाओ इससे आपकी एक्सरसाइज होगी फेफड़े की फेफड़ा मजबूत होगा वही चीज अगर धर्म बोलता है कि शंख बजाओ आप सुबह प्रक्रिया सेम है उससे बेटर है शंख बजाने आचार्य के मिश्रा को सब लोग सुने आज आचार्य के मिश्रा आज डेजिग्नेट करूंगा एक एक मैं आचार्य एक मिश्रा जीवन से जोड़ा गया है तर्कशास्त्री हाँ एक मिनट दो मिनट शंख बजाते हैं तो फेफड़ों में इनहेल करते हैं चलिए आचार्य 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 एके मिश्रा आचार्य एके मिश्रा वर्सेस तर्कशास्त्री नीरजा मिश्रा आचार्य एके मिश्रा को तर्कशास्त्री नीरजा मिश्रा जवाब दे सकती हैं मुझे ये बताइएगा सालों से भूख नहीं लगी भगवान नंदी को अब जब भूख लगी तो लखनऊ में तो 5.5 किलो दूध पी गए पेट खराब नहीं हुआ होगा क्या एक मिनट रुक जाइए जब आपको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है तो आप क्या बताए मानो क्या है चलिए आप बताइए मानो मैं साथ पत्रकार हैं तर्कशास्त्री भी हैं एके मिश्रा जी और आज ये सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कलयुग में भगवान खुद चमत्कार कर रहे हैं नंदी बैल की जो प्रतिमा है जो उनकी मूर्ति है वो दूध पी रही है ऐसी बातें कही जा रही है इसके पीछे का राज क्या है क्या कोई किसी तरह का धोखा कर रहा है क्या धर्म के नाम पर कोई अंधविश्वास का छलावा कर रहा है या फिर इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क भी कुछ कहता है या सिर्फ आस्था का विषय है या फिर अंधविश्वास की एक पतली लकीर भी है जो हमें और आपको समझनी बेहद जरूरी है डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं मेरे साथ पत्रकार हैं तर्कशास्त्री भी हैं एके मिश्रा जी नंदीबैल की प्रतिमा को दूध पिलाए क्या क्या कहते हैं आप पिला सकते हैं आपका मर्जी है विश्वास है तो पिला सकते हैं नहीं 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 आपने पिलाया नहीं पिलाया नहीं पिलाया था हाँ नहीं पिलाया श्रद्धालुओं को क्या बोलना है जो लोग आकर के ये कह रहे हैं कि नंदी महाराज की प्रतिमा जो है नंदी महाराज की जो मूर्ति है वो दूध पी रही है क्या बोलना है नंदी महाराज की दूध की जरूरत नहीं है पहले वो नंदी महाराज दूध पीते नहीं है वो तो लिक्विड लेते नहीं है मतलब दूध की तरफ से वो पानी लेते हैं और उसको जो आहार चाहिए वो शिवजी से मिल जाता है भक्तों की जरूरत नहीं है क्या है कृष्णा शर्मा जी 24 साल पहले भगवान गणेश की मूर्ति वो दूध पी रही थी प्रयागराज में 2015 में हमने देखा था इसी तरह से मूर्ति दूध पी रही थी अब ये कहा जा रहा है कि नंदी जी की जितनी भी मूर्तियां हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दूध पी रही हैं क्या आपके पीछे इसके राज क्या लग रहा है राशिद जी सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी आस्था जब हम धर्म की बात करते हैं तो आस्था बहुत बड़ी चीज होती है अब जैसे ये पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं वो दूध नहीं पीते पानी पीते अब दूध पीते या पानी पीते वो बात नहीं है मगर वो पी रहे हैं और ऐसी बात नहीं है हाँ कई साल पहले हमने भी और भी मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले हम कन्हैया जी की मूर्ति को भी हम पीतल की मूर्ति थी उसको भी ये जो दिखाई दे रहा है कि लाखों में अंधविश्वास है क्या है कितने किलोमीटर यानी दूध जो है आप पिला रहे हो तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा मुश्किल से जो है 1-2 चम्मच तो हमने भी देखा है मगर इतना नहीं देखा है मगर हमेशा रोज होता रहे ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि रोज जो है आप दूध पिला रहे हो और जहां तक बात है कि अगर दूध पिला रहे कितना 1-2 चम्मच अगर हम कभी रुद्राभिषेक भी करते थोड़ा ही दूध चढ़ाते हैं तो साथ में जो है गंगा जल होता है बाकी दूध हम जरूरतमंद में बांट देते हैं ठीक है मगर यहाँ पर आस्था का जब इसे आ जाता है और जिसकी आस्था यानी कि अंदर से भावना ऐसी होती है हमारा भाव ऐसा होता है अगर हम भगवान को पिला रहे हैं और पी रहे हैं तो डेफिनेटली जो है हम इसको नकार नहीं सकते हैं
अच्छा मतलब आप ये कह रही हैं विश्वास करती हूं कलयुग में नंदी जी ने कोई दुग्ध अवतार ले लिया है और नहीं, दुग्ध अवतार लिया हाँ, नहीं है हाँ, देखिए ये बात है दुग्ध अवतार नहीं लिया अच्छा, नंदी जी का करिश्मा है ये देखिए ना सावन प्रभु का करिश्मा है ये कहना चाहती हैं आप प्रभु का करिश्मा है ये कहना चाहती हैं आप देखिए कहीं अब कहीं कहीं तो हुआ है ना हो अच्छा। रहा है ना अच्छा साइंटिस्ट अपनी तरीके से कह रहे हैं और हम लोग अपनी तरीके से कह रहे हैं हम धर्म पे बहुत विश्वास है अगर हम अपने धर्म को ये देखते हैं उसमें भाव बहुत बड़ी चीज है एक मिनट जाइए पंकज चौहान मेरे साथ में शामली में भी नंदी जी की जो मूर्ति है दूध पीने की खबर शामली से भी आई है पंकज लोगों का मानना क्या है लोगों की राय क्या है बात कीजिए लोगों से एक मैंने फिजिक्स भी पढ़ी हुई है बहुत बार ये कहा जाता है कि पृष्ठ तनाव जैसी एक चीज है अंग्रेजी में से बोलते हैं सरफेस टेंशन ऐसा कहा जाता है कि पत्थर की बनी हुई कोई मूर्ति होती है उसके पोर्स होते हैं और गर्मी में अगर आप लिक्विड उसके पास में लेकर के जाएं कोई भी मूर्ति होगी तो वो कोई भी लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगी ऐसी बातें साइंस कहता है साइंस एक बात कह रहा है और आस्था एक बात कर रही है इन सभी के बीच में अंधविश्वास की न जाने कितनी कहानियां हैं आपका तर्क क्या है देखिए राशिद मैं आपको बताऊं इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसका एग्जांपल लीजिए आपने अभी जब शुरू किया था तो भारत का रॉकेट चंद्रमा पे जा रहा था इसके पहले जो हमारा रॉकेट चंद्रमा पे गया था उसने पहली बार बताया कि चंद्रमा पे पानी है अदरवाइज उस दिन के पहले तक ये माना जाता था कि चंद्रमा पे पानी नहीं है यानी वो मिथक टूट गया यहाँ पे देखना ये है होने को ये भी हो सकता है और जिस धर्म या जिस आस्था की आप बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक फैक्ट होता है चैलेंज यहाँ पे ये है कि ये वाकई में वैज्ञानिक है कि नहीं धर्म के बहुत सारी चीजों को वैज्ञानिक कसौटी पे अगर आप परखेंगे तो वो सही निकलते हैं इस चीज के लिए चैलेंज ये है कि जो भी वैज्ञानिक है जो उसके एक्सपर्ट हैं वहां जाके उसको देखें अब आपकी तस्वीरों ने जो दिखाया 5-6 लोगों को मैंने भी देखा उन्होंने चम्मच लगाया चम्मच से वो दूध खत्म हो गया तस्वीरें आपकी दो तस्वीरें थी एक तरफ रॉकेट भी जा रहा था एक तरफ जो मूर्ति थी नंदी जी की वहां पे दूध भी खत्म हो रहा था तो मैं कैसे बोल दूं कि रॉकेट वाली तस्वीर सही है ये वाली गलत है तस्वीरें तो एक ही कैमरा दिखा रहा है ना तो या तो फिर अब ये बोले कि कैमरा गलत है भाई कैमरा बायस्ड है सवाल ये है कि अब जिसको ये लोग धर्म मान रहे हैं आस्था मान रहे हैं एक वर्ग है जो इसको अंधविश्वास मानेगा चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी हो तो ये उनके लिए चुनौती है कि वो जाकर के सिद्ध करें कि वो एक अंधविश्वास है पंकज चौहान के पास में चलते हैं ना ग्राउंड जीरो पर पंकज चौहान के पास में चलते हैं पंकज नहीं ऐसी तो कोई घटना ही नहीं हुई परंतु वहाँ कभी कभी कुछ देशों में खबर आ जाती है तो पत्थर की मूर्तियां जो बनाई जाती है जीसस क्राइस्ट की या मदर मेरी की उनके सामने अगर कुछ भी चलाते हैं तो वो ऑब्जर्व कर लेती थोड़ा बहुत पर अगर मेटल की चीजें होंगी मूर्तियां होंगी तो वो कभी नहीं पियेंगी आपको दूध बहता हुआ दिख जाएगा पानी बहता हुआ दिख जाएगा तो कुछ ना कुछ साइंस का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है तो इसमें लोगों का विश्वास है अपना परंतु जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर लोगों को इसमें शांति मिलती है तो अच्छी बात है वो आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री ऐसी खबरें भी आती हैं कि अगर एक दो जगह इस तरह से महादेव के गण नंदी अगर दूध पीते हुए नजर आते भी हैं तो कई लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं और दुकान के नाम पर अंधविश्वास को बाजार में ला करके बेचा करते हैं ऐसी दुकानें बंद होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए एक और दूसरा ये जैसा कि मैंने कहा महादेव के गण नंदी दूध पी रहे हैं तो इसे एक आचार्य के तौर पर एक हिंदू धर्म गुरु के तौर पर कैसे देखते हैं आप सर्वप्रथम तो ये एक विश्वास का पात्र है अर्थात एक विश्वास का अर्थ है यदि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आस्था का अर्थ है जैसा कि हमारे विशिष्ट चार्य कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आस्था का ही एक अर्थ है जैसा कि कहा जाता है कि जिस प्रकार दूध में चिकनाई छिपी होती है पिता की डांट में भलाई छिपी होती है और मत समझो इसको पत्थर की मूरत इसी पत्थर में ईश्वर की परछाई छिपी होती है तो कहीं ना कहीं तो ये आस्था का विषय है ही उसके उपरांत आस्था के साथ साथ अंधविश्वास भी इस पे फैलता है जब ऐसी कोई चीजें जैसा कि 24 साल पहले ये वाक्या ये चमत्कार या ये आस्था पहले उत्पन्न हुई थी आज वह आस्था पुनः जागृत हुई है नंदी महाराज दूध पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आस्था की ही बात है और इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं कहा जा सकता है रही अंधविश्वास की बात यदि ईश्वर नंदी महाराज दूध पी रहे हैं भक्तों के द्वारा क्योंकि सत्य को मान लेना और सत्य की प्रमाणिकता इन दोनों बातों में अलग फर्क है
सत्य मान लेना, जैसे सामने वाले ने बताया कि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं, हमने सुन लिया। अगर हमने देखा तो मेरे मुख से भी यही शब्द निकलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं तो सत्य है। तो उस सत्य की परिभाषा, उस सत्य का प्रमाणिकता किस प्रकार से मिलेगी, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। तो अब इस चीज पर ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, यदि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये सत्य ही है। प्रोफेसर प्रोफेसर मनीष सिंधवी, नंदी महाराज की मूर्ति को दूध पिलाया क्या आपने? नहीं, मैंने तो नहीं पिलाया। अच्छा, चाहेंगे कि जाकर के दूध पिलाएं, एक बार टेस्ट किया जाए? सुना है आप तो लखनऊ में बैठे हैं, सुना है कि 5.5 लीटर दूध पी गए नंदी महाराज वहां पर। देखिए राशिद जी, असल में ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप गौर करेंगे कि जो भी बयान आएंगे वो बहुत सधे हुए होंगे और इस बात की कोशिश होगी कहीं कंट्रोवर्सी में ना फंसे, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लोग ये मानते हैं कि ये संभव नहीं है वो भी आपको स्टेटमेंट देने से बचेंगे। मुझे अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो भी मैं कुछ कहने से बचूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत संवेदनशील इशू होता है और जैसा कि तमाम लोग यहाँ कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब यहीं पर मामला फंस जाता है, क्योंकि आस्था हमको विश्वास की तरफ भी ले जाती है और अंधविश्वास की तरफ भी ले जाती है। अगर हम विश्वास की तरफ जा रहे हैं तो जो भी बात मानेंगे आंख खोलकर तर्क के साथ मानेंगे। अगर हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो तमाम बातें हमारे यहाँ तार्किक हैं। अगर आप वेदों को देखेंगे या चीजों पे अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो तमाम बातें तार्किक हैं। लेकिन उसी कालक्रम में आप देखेंगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, धर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो रूढ़िवादी है, जो अतार्किक है, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। तो उसमें ही उसी की एक जो आप फॉलोइंग देख रहे हैं उसी का कुछ रूप है। क्योंकि आप ये समझ कर चलिए कि मूर्तियां दूध जो पी रही हैं, इस तरह की बातें 1995 में हुई, 2006 में हुई, फिर हुई अभी 2016 में, मतलब इस तरह की बात समय समय पर सरफेस करती हैं। कृष्णा जी, सत्य है इस तर्क में, कितना सत्य है इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल। हाँ कृष्णा जी, मुझे एक बात बताइए, अभी देखिए हमने सभी खास मेहमानों को सुना ही है, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है, बहुत सी संस्कृति, बहुत से धर्म के रंग हम यहाँ देखते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ या मिथ फैलते हैं? मैं किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही, मैं खुद भगवान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन ऐसी जो अफवाहें उड़ती हैं ना, वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों उड़ती हैं? मुस्लिम में नहीं, ईसाई में नहीं, सिखों में नहीं, वहाँ इस तरह का कोई मिथ नहीं फैलता कभी? देखिए, आपने जैसे बोला है अभी, बता रहे थे कि पत्थर की जो मूर्ति होती है ना, वो अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, यानी कि जल को भी सोख रहे हैं, और उसके बाद गर्मी का मौसम, मई जून में क्यों नहीं करा? बहुत सारे नेताओं की पत्थर की मूर्ति सड़क पे लगी, उनको भी पिलाया जाए, पता लग जाएगा कि क्या भगवान पी रहे हैं या वो पी रहे हैं, पत्थर पी रहे हैं, पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने बात की है, क्या हिंदुओं में ही मुस्लिम में नहीं होता? मैं मानती हूँ, मैं इस चीज़ों में ये कहूँगी, आप हाजी अली की दरगाह पे आप जाइए, वहाँ पे देखिए जैसे ही नमाज का टाइम होता है वहाँ पर जो है पानी जो है रास्ते को रोक देता है। क्या है ये? एक चमत्कार है ये उनका, यानी कोई तो है जो हमें ऊपर चला रहा है, उनको विश्वास है ये हवा पानी और जो हमें सांस ले रहे हैं और साथ में जो हमें गर्मी जो मिल रही है वो सिर्फ एक ऊपर बैठा ईश्वर है, वो विश्वास करते हैं ना, तो इसको वो अंधविश्वास नहीं कर सकते। हाँ। वो उनको जो है भरोसा है कि हाँ हमें कोई चला रहा है। इसी तरीके से आप उसमें देखिए सिख धर्म है, वो एक पुस्तक पे विश्वास करते हैं। हाँ। हर तरीके के सबका अपना विश्वास है, उस विश्वास को हम नकार नहीं सकते। उसी तरीके से हिंदू धर्म में जैसे कि आप बता रहे हो, विश्वास के लिए इस तरह के प्रमाण की जरूरत होती है क्या कृष्णा जी? विश्वास के लिए इस तरह के प्रमाण की जरूरत होती है क्या? और हिंदू ऐसा दिखना जरूरी होता है क्या कि मूर्ति दूध पी ले? ऐसा दिखना जरूरी होता है क्या कि भगवान शिव की मूर्ति दूध पिए? कभी कभी गणेश जी की मूर्ति दूध पिए, कभी प्रयागराज में एक मूर्ति दूध पिए, कभी शामली में पिए, कभी मुजफ्फरनगर में पिए, कभी जौनपुर में पिए, कभी लखनऊ में पिए। कभी कभी क्या होता है, आस्था को साबित करने के लिए, विश्वास को साबित करने के लिए या विश्वास को जगाने के लिए। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, एक ध्यान जो होता है ना आंखें बंद करके, यूं मेडिटेशन करके भी एक आस्था जागृत हो जाती है, एक आत्मिक शक्ति आती है। जिस आत्मिक शक्ति की आप बात कर रही हैं, जिस परम पिता परमेश्वर परमात्मा की आप बात कर रही हैं, आंखें एक बार आप बंद कर लेना, ध्यान मग्न हो जाएंगी ना, तो भी आपको एहसास हो जाएगा। और इसके लिए लंबी लंबी कतार लगा करके और लंबी दुकान लगा करके किसी मूर्ति के सामने दूध पिलाने की जरूरत नहीं आन पड़ती। कृष्णा जी माफ कीजिएगा, आप मुझसे बड़ी हैं, ज्यादा तजुर्बा आपको है, लेकिन मेरी अंतरात्मा ये बात कहती है, इसलिए मैं ये बात कहूंगा।
जी आप बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये मेरा अपना विषय है तो मैं इसको कह सकती हूँ। आपने जो मूर्ति मंदिर में हमने रखी है उसकी पूजा आराधना करके प्राण प्रतिष्ठा की है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ, चैंटिंग करते हैं, मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वहाँ पर एक अलग ही तरीके के तरंगे पैदा करती है। तो मान सकते हैं आप कभी भी ये देखिए मंदिर में जाएं या फिर किसी भी धर्म स्थल पर भी जाते हैं, वहाँ आपको बहुत शांति प्रदान होती है। उसी तरीके से मैं ये कहती हूँ कि अगर वहाँ पे जो मूर्ति है और अगर वो दूध पी रही है तो कृष्णा जी पब्लिकली एक बात कहता हूँ मैं राष्ट्रदाशमी मैंने रुद्राभिषेक भी किया है, सुनिएगा। हाँ अब सुनिएगा आप, रुद्राभिषेक करते हुए दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है, रुद्राभिषेक करते हुए दही का भी इस्तेमाल किया जाता है, रुद्राभिषेक करते हुए शहद का भी इस्तेमाल किया जाता है, रुद्राभिषेक करते हुए अलग अलग पूजा सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि प्रभु शिव भगवान शिव जो शिवलिंग है वो कुछ भी अब्सॉर्ब कर जाए, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो ये चमत्कार नजर नहीं आया। क्या इसका मतलब यह है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं प्रभु का भक्त नहीं हूँ? नहीं नहीं ऐसी बात, मेरी श्रद्धा जो है वो अनन्य नहीं है। नहीं वो क्या इसका मतलब ये मैं समझूं? सबसे बड़ी बात हम ये बोल रहे हैं कि हम उस समय तो आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, ठीक है, जरूरी थोड़ी कि वही मूर्ति जो है दूध पी रही है, कहीं कहीं अलग अलग जगह कहीं जो चमत्कार दिख रहे हैं जो लोगों के बीच में ये दिखाई दे रहा है, मगर कुछ चीजें ऐसी है इसका कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। आप ये देखिए, हाँ कहीं पिया होगा मगर कुछ लोग जो है सिर्फ बोल रहे हैं, हाँ हमने पिलाते हुए दे, हमने भी पिलाया, हमने भी पिलाया। अच्छा एक मिनट जाइए, एक मिनट जाइए, एक आप बीच में आएंगे, आप शायद बीच में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले 20 मिनट लेट से नीरजा जी तर्कशास्त्री हैं, नीरजा मिश्रा 20 मिनट लेट से जुड़ी हैं, उन्हें उनसे एक सवाल लेना बेहद जरूरी है। नीरजा जी आप 20 मिनट लेट से आई हैं, यहाँ पर मौजूद कई मेहमानों का ये मानना है कि शायद आप नंदी महाराज को दूध पिलाने के लिए चली गई थी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बहस को ये इस विषय पर बहुत अपने बातचीत को भी और उसको भी बहुत अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि हमारा जो भारत वर्ष है एक आध्यात्मिक देश है, ये सभी जानते हैं और विश्व गुरु है, लेकिन आप एक चीज, एक इसमें अध्यात्म और वैज्ञानिकता दोनों एक दूसरे के कैसे मिश्रण बन गए हैं। ये जो नंदी को दूध पिलाने का अभियान चलता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप सोचिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है E=MC², कोई भी चीज अपना रूप बदल लेती है, नष्ट नहीं होती है। तो जब गर्मी आती है तो जो पत्थर है, लोग हमारे यहाँ शब्द एक बोले जाते हैं कण कण में भगवान, जो पत्थर है उसमें जब गर्मी होती है तो उसके रोम छिद्र जो होते हैं जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन, वो बढ़ जाता है। लेकिन बात यहाँ यह है, जब उसको दूध ले जाते हैं तो पानी वो सोख करता है, ये बात सही है, लेकिन वो जहां पर बहुत गर्मी हो जाती है और वो सोख करता है, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे देश में कुछ ना कुछ अपने व्यवसाय, अब सबके हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो सोशल मीडिया के तहत हमारे देश में विश्वास भी है और अंधविश्वास भी है। ये हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में नहीं है। अंधविश्वास हमारे उस गरीब तबके में ज्यादा है जिसको रोजी रोटी मकान इन सब चीजों से, बीमारी इन सब चीजों से होता है, तो झाड़ फूक सभी जानते हैं हो जाता है। तो एक आज हमारी इस टेक्नोलॉजी में सबके हाथ में मोबाइल फोन आ गया है, हमारी ये टेक्नोलॉजी जो है उसमें सबके हाथ में मोबाइल फोन दी है, सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार यूज कर रहे हैं। तो हमारे देश में जो हमारी ये वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे की गूंथ गई, उसका कुछ लोग ठेकेदार बनकर ये देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, हम समाज अच्छा, रामकृष्ण जैसे लोग फैला सकते हैं, आचार्य रामकृष्ण जैसे लोग व्यापार कर सकते हैं। मैं समझ गया, आचार्य रामकृष्ण जैसे लोग लोगों की तरफ शायद आपका इशारा है। रामकृष्ण जी यहाँ पर देखिए कई धर्मगुरुओं की तरफ इशारा कर रही हैं, एक तर्कशास्त्री हैं और पूरे तर्क के साथ अपनी बात उन्होंने रखी है। उनका कहना यह है सोशल मीडिया का जमाना है, आस्था से वो इनकार नहीं कर रही हैं, अध्यात्म से इनकार नहीं कर रही हैं, साइंटिफिक तर्क भी दे रही हैं, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव इस दूध पीने की असली वजह बता रही हैं, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि आप जैसे कुछ तथाकथित धर्मगुरु होते हैं जो धर्म की दुकान चलाया करते हैं, बहुत बार त्रिपुंडधारी बन करके, बहुत बार आंखें बंद करके और बहुत बार आडंबर का चोला ओढ़ करके, जवाब दीजिए दुकान चलाते हैं क्या आप? दुकान करना पड़ता है, नहीं तो ये दुनिया नहीं चलेगा ना। आप तो बड़े 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 बेशर्म किस्म हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट कृष्णा, बड़े बेशर्म हैं आप। शर्म तो है नहीं, नहीं बड़े बेशर्म हैं आप। आप कह रहे हैं दुकान करना पड़ता है, दुकान चलाते हैं आप, धर्म की दुकान चलाना पड़ता है, शर्म आ रही है मुझे। नहीं शर्म, आप जैसे आचार्य, अगर हिंदुस्तान सुन ले एक बार, एक ऐसे आचार्य हिंदू धर्म गुरु है कह रहे हैं कि मैं दुकान चलाता हूँ, आप रहिए मेरे साथ, दुकान चला रहे हैं आप, दुकान चला रहे हैं सब लोग, इसका मतलब पाखंडी हैं आप, पूरा विश्व। अगर आप धर्म की दुकान चला रहे हैं ना, पाखंडी हैं आप, इसलिए चला। मेरा तो ऐसा मानना है अगर आप दुकान चला रहे हैं लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, आपको जेल में होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। एके
कोई ऐसा धर्म गुरु नहीं है। आप नहीं रुकिए, शट अप, रुकिए। आपको बताता हूँ, मानव स्वार्थ हर जगह निहित होता है, वो चाहे धर्म हो चाहे विज्ञान हो। डॉक्टर है वो भी हॉस्पिटल चलाता है प्रॉफिट लेने के लिए, तो कुछ ऐसी मानसिकता होती है। रही बात अभी आचार्य जी जो बोल रहे थे, ठीक है वो कोई मानव स्वार्थी है लोग कर रहे हैं या बहुतायत से लोग कर रहे हैं, हम मुद्दे पे आते हैं। अभी हमारी तर्कशास्त्री मैडम ने जो ये बोला था, देखिए मैं आपको बता दूं आस्था क्या होती है और कैसे डेवलप होती है। एक ही चीज जब बार 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 होती रहे और सेम कंडीशन में होती रहे तो कालांतर में वो आस्था बन जाती है। साइंस का भी यही पैरामीटर है, बार बार एक चीज को करिए, रिजल्ट अगर वही है तो उसको एक प्रिंसिपल मान लिया जाता है। सवाल यहाँ पे है, मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया कि आप ही का कैमरा दोनों घटनाएं दिखा रहा है, मैं नहीं, देखने वाली आंखें मेरी है, सब लोगों ने सेम घटना देखी कि एक तरफ दूध भी खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ रॉकेट भी अपना चंद्रमा पे जा रहा है। तो मैंने इसीलिए बोला था जितने लोग इस घटना के विरोध में हैं, मैं मान सकता हूं कि ये कैपिलरी सिस्टम सरफेस टेंशन वगैरह, हालांकि ये 10वीं 12वीं लेवल का साइंस है, जिस चीज का वो हो रहा है, जाए वहां पे देखे। एक आदमी बोले तो मैं मान सकता हूं अपनी दुकान चलाने के लिए वो पुजारी बोल रहा है, लेकिन हर जगह से अगर सैकड़ों लोग बोल रहे हैं तो ये दायित्व तो है ऐसे वैज्ञानिकों का, ऐसे तर्कशास्त्रियों का कि जाइए वहां देखिए, अगर गलत है तो उनको सिद्ध करिए कि ये गलत है ताकि समाज बचे। हाँ। अदरवाइज मिथ्या तरीके से यहाँ बैठ के हम समाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं बताता हूँ, एक लाइन और बोल लेने दीजिए प्लीज। देखिए मैं महात्मा गांधी से नहीं मिला, मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी से नहीं मिला, लिंकन से नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं हुए हैं या उन्होंने नहीं किया है। जिस चीज को मैं नहीं जानता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जानते, सुनिए समाज बचाने की कोशिश हम करें। एक सेकंड राकेश राशिद बोलिए, समाज बचाने की बात आप कर रहे थे, मैं उस बात से आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ जहां रामकृष्ण जी ने कह दिया कि धर्म एक दुकान है। मेरे ख्याल से इसमें धर्मेंद्र शास्त्री जी और कृष्णा जी को जवाब देना चाहिए, बतौर हिंदू धर्म गुरु, बतौर एस्ट्रोलॉजर नहीं, ऐसे 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 धर्म गुरुओं को जवाब देना चाहिए। कृष्ण शर्मा जवाब दीजिए, कृष्णा शर्मा जवाब दीजिए, नहीं कृष्णा शर्मा को बोलना चाहिए। मुझे ये बता दे कौन सा आप बता रहे कि जो है बिजनेस चलाते हैं, अभी अभी धर्म बना हुआ है, क्या कौन सा वाला करते हैं, गुरु ने नहीं चलाया, एक दुकान चल रहे, एक पैकेट दूध से वो अपनी दुकान चला रहा है, पूरा दुकान है, मदर डेयरी लगा ली उसने, पंडित ने मदर डेयरी लगा ली, आने नहीं देते मंदिर में, क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रही है, मंदिर सबके लिए बराबर है, मंदिर के सामने खड़े, अरे कहीं कुछ नहीं, मैं आज तक हजारों मंदिरों में गया हूँ, पैसे के कारण एंट्री कहीं पे नहीं रुकी है, हिंदू धर्म दर्शन और एंट्री पैसों के कारण नहीं रुकी है सर, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपको 500 मंदिरों में लेके चलूंगा, उंगली उठाई है नहीं, आपने सब गुरुओं का ठेका ले लिया है, रामकृष्ण जी आपने क्या सब धर्म गुरुओं का ठेका ले लिया है, रुद्राभिषेक करने के दाना, क्या सब धर्म गुरुओं का ठेका ले लिया है आपने, जवाब दीजिए। हाँ हाँ ले लिया। अच्छा सबका ठेका आपके पास है, मेरे पास है, पूरा विश्व का मेरे पास है। अच्छा बताइए नाम बता दीजिए, ट्रेनिंग कहाँ से हुई आपकी, ट्रेनिंग कहाँ से हुई ये बताइए। अच्छा परमात्मा ने कहा कि धर्म की दुकान लगा लो, दुकान लगा लिया, कोई लॉजिक है आपकी बातों का, कोई लॉजिक है, टीवी पर लोग देख रहे हैं आपको, इतना इलॉजिकल तथ्य आप अपने पास रखिए, टीवी पर लोग देख रहे हैं आपकी जो छवि है ना, अब बचेगी नहीं, चार साल एक लाख साल से लोग बंद करवा रहे हैं धर्म को, आप एक और महारथी आए हैं, अवतार लिया है, आप भी अपना कर लीजिए, एक एक काम कर लेते हैं, हमारी शक्ति की जरूरत नहीं होती, एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए, चूंकि मैं एक एक को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, इन्हें धर्म की भी बड़ी अच्छी जानकारी है, भौतिक शास्त्र को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मैं तो अपने आप को बहुत अज्ञानी कहता हूं, एक काम कीजिए आचार्य रामकृष्ण और एके दोनों को स्क्रीन पर साथ में लेकर के आ जाए, और एके मैं चाहूंगा कि धर्म के चंद सवाल आचार्य रामकृष्ण से आप मेरी तरफ से जरूर पूछें, क्योंकि मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन आप शायद आप मुझे यही बता दें, आचार्य रामचंद्र जी प्रभु ने आपको ठेका दिया है, मानता हूं मैं आपको नमन कर लेता हूं, धर्म का सवाल होना चाहिए, धर्म का सवाल, धर्म की परिभाषा आपके हिसाब से या परमात्मा ने जो आपको ज्ञान दिया, आप धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं, धर्म है क्या आपकी नजर में, आपके विचार में, आप किस चीज को धर्म मानते हैं, मानव धर्म है। अच्छा जानवरों वाला अगर धर्म है, धर्म नहीं, जानवरों के लिए भी तो बोला गया है कि जानवरों की भी सेवा करो, उनको पीड़ा मत दो, तो वो धर्म नहीं है,
केवल मानव की सेवा करो, धर्म सनातन धर्म का आधार क्या है? एक मिनट रुक जाइए, नहीं मुझे धर्म की डिफिनेशन एक लाइन में बता दीजिए, नहीं तो आज मान के जाइए कि आप सबसे बड़े पाखंडी हो, आप सबसे बड़े ठेकेदार हो। धर्म का ओपिनियन मूल सिद्धांत क्या है बताइए, कोई भी धर्म हो, धर्म का गुरु ने बनाया था वो धर्म नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म की परिभाषा आप बता दीजिए, गुरुओं की छोड़िए, आपने इतनी तपस्या की, इतनी जिंदगी गुजारी, आपके मेरे हिसाब से धर्म की एक परिभाषा है, शास्त्र सम्मत नहीं, जो धर्म को मैंने महसूस किया है, मैंने एक परिभाषा डेवलप की है, आप बताइए आपने क्या महसूस किया, आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है। मैं संस्कृत के जो है विच्छेद वगैरह में नहीं जा रहा हूं कि धर्म शब्द का संस्कृत व्युत्पत्ति बताइए और संधि विच्छेद, जो दुकान चला है वो अधर्मी है, नहीं कर रहा हूं, जो दुकान चला है वो अधर्मी है, धर्म की बात क्या करेंगे, धर्म शास्त्री से एक बार हम सवाल कर लेते हैं। हां एक मिनट रुक जाइए, जब आपको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है तो आप क्या बताए, मानव क्या है, चलिए आप बताइए मानव, हां एक मिनट रुक जाइए, जब आपको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है तो आप क्या बताए, मानव क्या है, चलिए आप बताइए मानव, आपके हिसाब से मानव की क्या परिभाषा है, किसको आप मानव मानते हैं? पंच इंद्रियों का मिलावट, उसको जानवरों में पंच इंद्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, कमाल है, मानव में जितनी इंद्रिया होती है ठीक है, बुद्धि का विकास कुछ ज्यादा है, लेकिन इंद्रिया तो उसमें भी होती है ना, आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री, सुख दुख मोह माया ये सब चीजें तो उनका भी होता है ना, यहाँ पर एक हिंदू धर्म मानव और जानवर में कैसे फर्क किया जाता है, आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री क्या है, बुद्धि नहीं है उनके अंदर, बुद्धि नहीं है, कमाल है, बुद्धि नहीं है, जानवरों के अंदर बुद्धि नहीं है, तो बिना बुद्धि के वो अपना खाना होना, आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री एक पक्षी है 5000 किलोमीटर दूर से उड़ के साइबेरियन यहाँ आ जाए, बिना बुद्धि के आ जाता है, बिना बुद्धि के कोई भी जैविक प्राणी है ही नहीं सर, अगर एक एक अमीबा भी है तो उसके अंदर भी अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए उतनी क्षमता है, एक कणजीवी है सर, मानव और जानवर में फर्क बुद्धि का नहीं है, विवेक का है। चलिए एक काम कीजिए रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जी एक काम कीजिए, बिल्कुल आंखें बंद कीजिए, सावन का महीना है, आंखें बंद कीजिए, सावन का महीना महीना है, ओम नमः शिवाय आप बोलिए, आपको भी शांति मिलेगी, यहाँ पर मौजूद बाकी लोगों को भी शांति मिलेगी, लेकिन धर्मेंद्र शास्त्री जी मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप भी नहीं बताएंगे, रामकृष्ण यहाँ पर एक हिंदू धर्म गुरु बैठे हुए हैं, इनका कहना यह है कि वो धर्म के नाम की दुकान चलाते हैं, ये धर्म के नाम के ठेकेदार हैं और इस दुकान को चलाने का इन्हें कोई अफसोस नहीं है। क्या आप भी कोई दुकान चलाते हैं? अगर चलाते हैं तो उसका पता बता दीजिए, उसकी फ्रेंचाइजी कैसे मिलती है ये भी बता दीजिए, गली मोहल्ला कौन सा है ये भी बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिएगा, सारा पूरा एड्रेस के साथ में कोरेस्पोंडेंस फिर उसके बाद आपके साथ में वैसा होगा। जी 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 बिल्कुल बताएंगे, पहली चीज तो धर्म कोई दुकान नहीं है, जैसा कि ये बहुत ही अभद्र शब्द का प्रयोग किया है, धर्म कोई दुकान नहीं है, धर्म हिंदू धर्म हमारे हिंदू सनातन धर्म जो कि सबसे पहला धर्म है, जैसा कि अन्य धर्मों को तो उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो धर्म शब्द को दुकान के दुकान नाम से संबोधित किया गया यह बहुत ही निंदाजनक, धर्म दुकान नहीं है ये शब्द, मूल रूप से देखा जाए तो कोई भी धर्म दुकान नहीं है, धर्म किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं है, धर्म किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं है, धर्म दो हिंदू धर्म गुरु हैं, एक का कहना है कि धर्म की वो दुकानदारी चलाते हैं, दूसरे ये कह रहे हैं कि धर्म की वो दुकानदारी नहीं चलाते। अश्विनी शाही जी, चूंकि सरकार आपकी है इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो लोग जो धर्म के नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए ना, इनकी जगह नहीं है सभ्य समाज में रहने की, अभद्र हैं ये लोग जो इस तरह से माने कि धर्म की दुकान चलाते हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल इनकी जगह नहीं है। अश्विनी शाही जी, ये लोग अगर अगर रामकृष्ण जी ने ये कहा है कि हम दुकान चलाते हैं तो ये बहुत ही घृणित और निंदनीय काम कहा है, धर्म कोई दुकान नहीं है, ये धर्म एक और आस्था एक अलग चीज है, धर्म को परिभाषित ये इस तरीके से नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने किया है। देखिए बेशर्मी से हंस भी रहे हैं, व्यक्तिगत दुकान दुकानदार बनने के बाद बेशर्मी से हंस भी रहे हैं, धर्म का दुकान इन्होंने निंदनीय काम किया है ये, अगर इस चैनल पर ये बोल रहे हैं तो, अगर कोई चीज कर रहे हैं ये कोई भी अपनी दुकान चला रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन धर्म के ठेकेदार ये नहीं हो सकते हैं। और आज जो हमारे बहस का मुद्दा है वो आस्था का मुद्दा है, हम उससे अडिग है कि आस्था है, आस्था होनी चाहिए। हाँ। लेकिन अगर इसमें कोई आगे कोई कहे कि अश्विनी शाही जी, अश्विनी शाही जी मेरा तो मानना ये है ना, अश्विनी शाही जी सुनिए ना, मेरा तो मानना ये है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, डिबेट में अगर आपको कोई धर्म के पाखंडी मिल भी गए तो आप ऑन एयर इनसे पूछिए ना इनका एड्रेस क्या है, पुलिस भेज दीजिएगा, इन्हें सलाखों के पीछे भेजिए।
नहीं जरूरी है। अगर इनको देखिए सलाखों के पीछे भेजने से किसी का कुछ ऐसा नहीं होता है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं ना सर। चलिए एड्रेस बताइए, अपना एड्रेस बताइए, पुलिस भेजेंगे, भेज दीजिए लेके जाता हूँ। बताइए एड्रेस बताइए ना, ऐसा मेरे पास आप भेज दीजिए मैं लेके जाऊं। आपने उनको एक सार्वजनिक मंच पर इतने इस तरीके से आपने उनको शर्मसार किया है कि उनको खुद जो है आज का धर्मगुरु कहने में शर्म आएगी। और आपको मैं एक देखिए शर्म तो आई नहीं रही है ना, मुस्कुरा रहे हैं सर, शर्म तो आई नहीं रही है, देखिए मुस्कुराहट देखिए इनके चेहरे की, मनीष कितनी बेशर्मी से मुस्कुरा रहे हैं। प्रोफेसर मनीष, प्रोफेसर मनीष, एक मिनट, हाँ एक मिनट, आइंदा से बुलाएंगे नहीं, आइंदा से बुलाएंगे नहीं, मेरा बस चलेगा तो मैं अभी कह दूंगा कि जय श्री राम जा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर इन्हें और भी ज्यादा बेपर्दा करना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर मनीष सिंधवी, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों की दुकान चलाता कौन है, चलवाता कौन है, इन्हें किसका वरदहस्त मिला होता है जो खुल करके ये कह दें कि मैं दुकान चलाता हूँ धर्म की? राशि जी, दुकान तो हम ही लोग चलवाते हैं क्योंकि जो अंधविश्वास हमारा है वही ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है। पिछले अगर कई सालों में आप देखिए, तीन चार सालों में कितने बड़े बड़े मामले निकल कर आए, चाहे वो आशाराम जी को लेकर हो, चाहे राम रहीम को हो लेकर हो, कितने बड़े बड़े मामले निकल कर आए, एक करोड़ दो करोड़ से कम भक्त नहीं था। मनीष जी मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, मैं ये आचार्य राम, हालांकि मैं आचार्य कहने में मुझे शर्मिंदगी लग रही है, इस तरह से आप बैठे हुए आराम से इतना रिलैक्स होकर के सर खामोशी से और बेशर्मी से सर मत हिलाइए। मनीष जी अपनी बात पूरी करें आप। तो मैं कह रहा था कि मानने वाले हम ही लोग हैं, अंधविश्वास वाले हम ही लोग हैं, फॉलोइंग्स हम ही लोग पैदा करते हैं। तो अगर हम ये, मैंने कहा ना कि आस्था विश्वास को भी जन्म देती है और अंधविश्वास को भी जन्म देती है। ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम विश्वास की तरफ जाएं, अंधविश्वास की तरफ ना जाएं। और जो धर्म दुकान में कन्वर्ट हो गया है, वो किसी भी धर्म की बात आप कर लीजिए, तो ये जो चलने लगी है इसको तभी बंद हम कर सकते हैं जब इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आएंगे। और तभी आप हिंदुस्तान में एक चीज और गौर करिए, धर्म जो है घरों के अंदर नहीं माना जाता। हम घर के अंदर हिंदू हो ना हो सड़क पर जरूर होंगे, हम घर के अंदर मुसलमान हो ना हो सड़क पर जरूर होंगे। यहाँ सारा का सारा दिखावा जो है सड़क पर है, सारा का सारा जो मान्यता है। तो जिस तरीके का जो देश हमारा एक कल्चर बन गया है, जो सीना पीटने का और सड़क पर जाकर अपने धर्म को प्रदर्शित करने का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह की दुकानों को बढ़ाने का। जगदीश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन रामकृष्ण जी बहुत रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रही हूँ, आपका कैमरा जाए, आप उस तरफ देखिए, मेरी तरफ देखकर ये गर्दन हिलाकर आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं, मुझे बेवजह आप गुस्सा मत दिलाइए, अपने कैमरे की तरफ देखिए, वहां आपको हंसना हो हंसिए, गर्दन हिलानी है हिलाइए। जगदीश जी मुझे बताइए, क्या चर्च में भी ऐसी धर्म की दुकान होती है क्या, जैसे जैसे बेशर्मी रामकृष्ण दिखा रहे हैं बराबर में बैठ के? नहीं, इस प्रकार की तो हमारे धर्म में कोई दुकानें नहीं चलती, लोगों का आस्था के कारण लोग आते हैं चर्च में, चले जाते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं चलाने की दुकान, परंतु चल नहीं पाती, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारे समाज के जो है करीब करीब 95% लोग शिक्षित हैं, उनके पास शिक्षा है, तो वह अच्छे से समझते हैं कि कौन दुकान चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। जो कोशिश करते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने की, तो लोग उनका साथ छोड़ देते हैं हमारे वहाँ, नहीं जाते उनके वहाँ। कृष्णा जी आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप समाज के लिए जी बिल्कुल ठीक कहा, जगदीप जी बिल्कुल ठीक कहा। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मैं नीरजा जी से करना चाहता हूँ। नीरजा जी, अभी प्रोफेसर मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि धर्म को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में जोड़ना बेहद जरूरी है। देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जैसे जैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, जैसे जैसे हिंदुस्तान नई सदी का हिंदुस्तान बना है, वैसे ही वैसे वो प्रोग्रेसिव भी होता गया है। वो किसी भी डायमेंशन में देखने की अगर हम कोशिश करें, लेकिन धर्म के नाम पर बहुत जगह वहीं पर खड़ा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट को तर्क के साथ में, रैशनल्स के साथ में धर्म को कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए मैं तब से इस बहस को सुन रही हूँ कि ये जो नंदी का दूध पी रही हैं और इसको धर्म, दोनों में एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन हो रहा है, कुछ बातें निकल के आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश में धार्मिक चीजें हैं बहुत अध्यात्म ऊंचा था, मैंने कहा वैज्ञानिक रूप से बहुत ऊंचा था। जैसे एक मैं उदाहरण दे रही हूं कि कभी आप पढ़ रहे होंगे कि लिखा जाता है कि अगस्त ऋषि समुद्र पी गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ हम इसको, उस समय हमारे पास शब्दों की कमी थी, तो पीना अर्थात सुदूर देश यात्रा थी। तो शने शने हम जो गुलामी इन सब चीजों में आते चले गए, तो जो ये धर्म गुरु, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब जैसे अभी आप लोग बहस कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं दुकान चलाता हूं, तो इस युग
में, ये अर्थ युग जो है ये पूर्ण रूपेण आर्थिक युग है, यहाँ पर व्यवसायीकरण हर चीज का हुआ है और धार्मिक भावनाओं का भी व्यवसायीकरण बहुत अच्छे से हुआ है। आपने प्रश्न किया कि वैज्ञानिकता और धर्म को कैसे जोड़ा जाए, ये हमारे सभी प्रबुद्ध वर्ग का एक बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए कि हम विश्वास और अंधविश्वास के बीच जो एक महीन सी डोरी है, जो हमने कहा कि हर घर में मौजूद है, बिल्ली रास्ता काट गई, जैसे आपने कहा नंदी दूध पी रही है, इसकी भी वैज्ञानिकता है, जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अफवाह है लेकिन इसमें आप वैज्ञानिक रूप से सोचें, तो मैंने अभी आपसे कहा कि जब गर्मी बहुत होती है तो कुछ न कुछ किसी जगह पे, आज कौन सी गर्मी है, लबालब बारिश हो रही है, हो या पानी हो, इस महीने में कौन सी गर्मी है मैडम, बारिश हो रही है 5 दिन से हमारे देश। मुझे पहली बार एक लंबे अरसे से जानता हूँ लेकिन पहली बार, अच्छा मैंने एक को एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी देखा है, एक भौतिक शास्त्री के तौर पे भी देखा है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे भी देखा है, एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे भी देखा है, लेकिन पहली बार एक के अंदर का एक सो कॉल्ड धर्मगुरु भी निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वन चल रहा है एक के, कि एक तरफ तो मेरी धार्मिक मान्यताएं हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक तर्क है, लेकिन मजा आ रहा है मुझे सुनने में, पहली बार मुझे सुनने में मजा, बड़ा आनंद आ रहा है। जितने मेरे साइंटिस्ट बंधु तर्कशास्त्री बैठे हैं, मैं बड़ा सिंपल सा देता हूं, 1,00,000 साल पहले ऋषि मुनि ने जो बोल दिया कि यहां से चंद्रमा की दूरी 4,00,000 है, आपका रॉकेट गया है 4,01,00,000 किलोमीटर या 4,00,100 मीटर नहीं कर पाया। प्रोफेसर मनीष ने एक बात कही थी, प्रोफेसर मनीष ने एक बात कही थी, बोल दिया गया प्रोफेसर मनीष ने एक बात कही थी कि एक ऐसा इशू मैं लेकर के बैठा हुआ हूँ, एक ऐसा इशू मैं लेकर के बैठा हुआ हूँ कि न तो कोई खुल करके मुखालफत करेगा, न ही खुल करके कोई भी मुखालफत नहीं करेगा, और ऐसा ही अंतर्द्वंद आपके अंदर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तर्क की कसौटी पर आपका मस्तिष्क एक तरफ चल रहा है, लेकिन आपका जो हृदय है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आंखें बिल्कुल मूंद करके बिल्कुल परमात्मा के पास में जाकर के ये बताने की, कहने की कोशिश कर रही है कि नंदी महाराज अगर दूध पी रहे हैं तो इसके पीछे धर्म है, और मैं भी यही मानता हूं कि नंदी महाराज हाँ कलयुग में दुग्धावतार लेकर के उतरे हुए हैं। नहीं, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे दूं राशिद, देखिए अभी मान लीजिए आज की डेट में, ये मेरा अपना देखा हुआ है, कोई 12 साल 20 साल 22 साल 24 साल में अस्थमा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर 500 रुपए फीस लिख के उनको इलाज क्या देता है कि एक गुब्बारा आता है, बोलता है सुबह शाम फुलाओ, इससे आपकी एक्सरसाइज होगी, फेफड़े की फेफड़ा मजबूत होगा। वही चीज अगर धर्म बोलता है कि शंख बजाओ आप सुबह, प्रक्रिया सेम है, उससे बेटर है शंख बजाने। आचार्य के मिश्रा को सब लोग सुने, आज आचार्य एके मिश्रा आज डेजिग्नेट करूंगा एके को मैं, आचार्य एके मिश्रा जीवन से जोड़ा गया है, इसलिए तर्कशास्त्री हाँ, अगर आप 1 मिनट 2 मिनट शंख बजाते हैं तो फेफड़ों में इनहेल करते हैं, चलिए आचार्य 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 एके मिश्रा, आचार्य एके मिश्रा वर्सेस तर्कशास्त्री नीरजा मिश्रा, आचार्य एके मिश्रा को तर्कशास्त्री नीरजा मिश्रा जवाब दे सकती है, नीरजा आप जवाब दे सकती है। नहीं जवाब मैम का, अगर कोई सवाल हो तो पूछे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे बता रही हूं, आपने कहा, हमने कहा, पहला शब्द मैंने ये कहा कि हमारा अध्यात्म जो था वैज्ञानिकता के चरम पर था, जैसे आपने कहा शंख बजाना हमारे फेफड़े के लिए फायदेमंद है, हमने कहा, लेकिन हम कई सालों से हमारे जो ये ठेकेदार थे जिन्होंने कहा कि हम दुकान चला रहे हैं, इन लोगों ने चीजों को मोड़कर उसकी वैज्ञानिकता को अपने स्वार्थ के लिए उसको मोड़ दिया, पॉल्यूट कर दिया। सनातन धर्म में तो ये था कि बार बार प्रयोग करने पर जो चीज सही सिद्ध होती थी वही सिद्धांत समाज में दिया जाता था। वो मानवता है, मनुष्य की सबसे बड़ा मूलभूत तत्व है वो, जिसको जो सबके अंदर, इसी देखिए मैं आपकी बात का खंडन इसीलिए करता हूँ जो आप बोल रही हैं कि सरफेस टेंशन का, मैं बोल रहा हूँ एक बार ऐसा हो सकता है, सावन का महीना है, 2 महीने से बारिश हो रही है, गर्मी वाला भी आपका तर्क यहाँ लागू नहीं होता है, मूर्तियां ऑलरेडी सारे पत्थर दीवारें एकदम गीली हो गई हैं। आप किसी साइंटिस्ट को भेजिए, अगर एक आदमी के साथ हो तो माना जा सकता है। देखिए इस चीज से तो अगर ये चीज कर रहे हैं तो नंदी बाबा दूध पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, इस पर हमारा चैनल कोई स्टैंड नहीं ले रहा है कि दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, ये सिर्फ एक डिबेट है। आपके पास दान, पहले तो ये बताइए आपका वास कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं? पूरा विश्व का है, मैं पूरा विश्व का हूँ। ये तो कोई बात नहीं, पूरी बताइए ना आप कहाँ के रहने, आप कहाँ रहते हैं महाराज, फिलोसफी कौन सा मंदिर है, कहाँ पे रहते हो? मेरा पूरा विश्व का मंदिर, मैं शिव का भक्त हूँ।
प्रभु शिव का भक्त, प्रभु शिव के आप भक्त हैं, ये बताइए किस मंदिर में निवास स्थान है आपका? पूरा हर मंदिर में मेरा निवास है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये भगवान ठीक है, वो आपका सूक्ष्म शरीर है, आपका स्थूल शरीर कहाँ रहता है ये बताइए? ये कनॉट प्लेस में कनॉट प्लेस में रहता है। खगही की भाषा, अच्छा कनॉट प्लेस में बात, अब ये बता दीजिए कनॉट प्लेस के उस मंदिर में दान पेटिका में जो पैसे आते हैं उन पैसों का आप क्या करते हैं? दान पेटी में पैसे आते हैं वो भगवान के लिए यूज करते, मंदिर के लिए यूज करते। भगवान के लिए यूज करते। आप बता रहे हैं ठेका चला रहे हैं? नहीं, आप तो बता रहे हैं दुकानदारी चला रहे हैं। दुकान तो है, बिना पैसे के भी चला सकते हैं। कैसे चलाते हैं दुकानदारी, चलाते कैसे हैं ये बताइए? इसलिए भक्त जो आते वो दान करते हैं। हाँ तो आप दुकानदारी चलाते हैं? बस उसी से तो चला रहे ना, खुद तो भक्त नहीं। आपने कहा दुकानदारी आप चलाते हैं, दुकानदारी कैसे चलाते हैं? दुकानदारी का मतलब है लेना देना। हाँ लेना देना जहाँ होता है वो दुकान ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ भगवान लेना देना होता है। बड़ी बेशर्म सोच है आपकी, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर प्रभु के दर पर जहाँ मंदिर चलता है वही है। निस्वार्थ भाव के प्रभु से, प्रभु के दर पर कुछ भी अगर दान किया जाता है ना वो लेना देना की श्रेणी में नहीं आता है। खैर खैर एक मिनट, आप अगला सवाल मैं पत्रकार ए के मिश्रा से करूं या फिर आचार्य ए के मिश्रा से, आपको जो सही लगे आप अपने नाम के आगे जोड़िएगा ए के। आप अगला सवाल मैं पत्रकार ए के मिश्रा से करूं या फिर आचार्य ए के मिश्रा से, आपको जो सही लगे आप अपने नाम के आगे जोड़िएगा ए के। मुझे ये बताइएगा, सालों से भूख नहीं लगी भगवान नंदी को, अब जब भूख लगी तो लखनऊ में तो 5.5 किलो दूध पी गए, पेट खराब नहीं हुआ होगा क्या? मुझे ये बताइएगा, सालों से भूख नहीं लगी भगवान नंदी को, अब जब भूख लगी तो लखनऊ में तो 5.5 किलो दूध पी गए, पेट खराब नहीं हुआ होगा क्या? मैम देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर नंदी बैल ऊपर से दूध पी लिया उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, देखिए है क्या, कोई आदमी 2 रोटी खाता है, कोई आदमी 10 रोटी खाता है तो भी पेट नहीं खराब होता। रही बात पेट खराब होने की, तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जो महामानव है जिनकी क्षमताएं ज्यादा है, वो जैसे कोई गाड़ी 1 लीटर में 70 किलोमीटर माइलेज देती है, कोई ट्रक जो है 3-4 किलोमीटर देता है, वो डिफरेंट चीज है। सवाल यहाँ पे जो आप पूछ रहे हैं कि नंदी जी कहीं 1 चम्मच पी रहे हैं, कहीं 5 लीटर दूध पी गए हैं, मैं आपको बोलता हूँ जो चीजें हमने आज तक नहीं देखी इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में उसकी संभावना नहीं है। हाँ। हर दिन नए ग्रह खोजे जा रहे हैं, नए उपग्रह खोजे जा रहे हैं। अभी आप देखिए कितने सारे जो है, आप ये देखिए जो साइंटिस्ट हैं आकाशमंडल में नए तारे ये खोज रहे हैं, और जब वो खोजे नहीं जाते थे तब वो सिद्धांत माना जाता था कि है ही नहीं। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। अच्छा अगले कितने साल भूख नहीं लगेगी अब नंदी को, भगवान नंदी को? अच्छा अगले कितने साल भूख नहीं लगेगी अब नंदी को, भगवान नंदी को? देखिए अगर आप भगवान की भूख को करने की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, भगवान को कहा तो यह गया है वो अजर अमर है, और सारे जो दैहिक वो चीजें होती है संताप या फीलिंग्स, भूख ये सब प्यास वगैरह उनको नहीं लगती है। इसके पीछे भी आप कॉन्सेप्ट देखिए, देखिए पूरे ब्रह्मांड में चीजें दो ही वे में, दो ही तरीके से उपस्थित रहती है, एक है मैटर मेटेरियल, दूसरा होता है एनर्जी। जब आप एनर्जी फॉर्म में चले जाते हो ना तो आप मैटर से रिलेटेड जितनी बाध्यता होती है वो चीजें आप अनुभव नहीं करते हो। E=mc2। अभी मेरे किसी एक विद्वान मित्र ने, शायद मैम ने बोला था, ये वही है। मैं बोलता हूँ आप यहाँ बैठे बैठे गायब हो सकते हैं और E=mc2 के हिसाब से सिद्ध किया जा सकता है, और E=mc2 के हिसाब से सिद्ध किया जा सकता है। आप आपका वेट मान लीजिए 50 किलोग्राम है और आप c यानी लाइट की जो वेलोसिटी है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इनटू उतना ही कर दीजिए, उतनी स्पीड से आप जाइए तो आप 100% जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप एनर्जी फॉर्म में आ जाएंगे, आप लोगों को दिखेंगे नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल साइंस में इतनी तेज स्पीड जो है पकड़ना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है ये, क्योंकि मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या मैटर फॉर्म में लिमिटेशंस होती है। जगदीप जी देखिए, यहाँ तो कभी भगवान नंदी को भूख लगती है, कभी भगवान गणेश को भूख लग जाती है, कभी शिवजी खुद दूध पीने लगते हैं, प्रभु यीशु को भूख नहीं लगती क्या? नहीं देखिए हमारे मन भी इस प्रकार की कई बातें आती हैं। हाँ। जैसे आपने बीच में पढ़ा होगा 2-3 साल पहले की बात है कि मदर मेरी की आंख से खून के आंसू गिर रहे हैं और काफी लोग जाने लगे वहां पे, बाद में बकायदा चर्च ने परमिशन दी कि आप इसका साइंटिफिक टेस्ट करिए क्या कारण है। जब साइंटिफिक टेस्ट किया पता चला कि भाई कुछ अंदर केमिकल चेंजेस आ गए पेंट के अंदर, तो इसके कारण ये लाल लाल आ गया है मॉइस्चर। एक बात ही बताइएगा, लोगों ने उसको मान ली बात, एक्सेप्ट किया क्योंकि ये जी। हां जगदीप जी, प्रभु यीशु, माता मरियम, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, इन सभी को महसूस करने के लिए आप लोग ये क्यों कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करना बेहद जरूरी है? नहीं हम तो नहीं कहते धर्म परिवर्तित करना, नाम नहीं लूंगा लेकिन ऐसे कई लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, नाम नहीं लूंगा,
क्योंकि मैं सामाजिक तौर से ये चाहता हूँ कि सामाजिक सौहार्द जो है बिल्कुल बना रहे। मैंने किसी वजह से ये बात पूछी थी प्रोफेसर मनीष जी। प्रोफेसर मनीष ये बताइए, क्या धार्मिक सोच शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक इन सभी चीजों पर निर्भर करती है? देखिए, धार्मिक सोच ऐसा नहीं है। धार्मिक सोच एक व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है। कभी कभी आपको सड़क पर चलता हुआ आदमी बहुत ज्ञान की बातें करेगा, और कभी कभी बहुत ज्ञानी है के मिश्रा भी आचार्य के मिश्रा बन जाते हैं। नहीं, ज्ञान की बातें करेगा, और कभी कभी बहुत ज्ञानी है के मिश्रा भी आचार्य के मिश्रा बन जाते हैं। नहीं सर, देखिए यहाँ पे कोई मनीष जी, अरे सुन लीजिए सुन लीजिए, और आप एक परिवर्तन महसूस करिए राशिद जी। एक परिवर्तन महसूस करिए कि इधर पिछले कुछ सालों में जो धार्मिक उन्माद बढ़ा है वो पढ़े लिखे लोग ज्यादा फैला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं जो आप ये कह रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है, और सोच के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा इंसान भी अच्छा धार्मिक व्यक्ति हो सकता है। हमारी आस्था में बस कट्टरता ना हो, हमारी आस्था में बस अंधविश्वास। आपने जो परिभाषा बताई है वही परिभाषा हमेशा, देखिए ज्ञान जो देखा जाए जो आजकल हम लोग लेते हैं अच्छा इंसान होने के लिए, उसका कोई पैरामीटर या जरूरी नहीं था। पहले लोगों के पास यूनिवर्सिटीज BA MA की डिग्री नहीं होती थी तो क्या ज्ञान की कमी थी? जिंदगी नहीं चलती थी, लोग अच्छे इंसान नहीं होते थे। बात ये जो रामकृष्ण जी ने अभी बोली है श्रीमान जी ने कि लोगों ने दुकान बना लिया है, सवाल केवल पढ़े लिखों का नहीं है। कोई भी आदमी जब उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नीत हो जाता है, चाहे धर्म हो चाहे जो हो, तो वो दुकान में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे डिबेट का वक्त पूरा हुआ है। कृष्णा जी, अश्विनी जी, नीरजा जी, जगदीप जी, मनीष जी, धर्मेंद्र जी, AK, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।